और बहुत लोग को फ्री स्टाइल पुल में दिक्कत आ रही है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि पुल एग्जैक्टली होता किस तरह है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, सीधे ही पुल कर ले रहे हैं इस तरह, ठीक है। बहुत लोग एकदम अंदर ले आ रहे हैं, तो मैं इसको पानी के ऊपर बताने जा रहा हूँ। उसको आप ध्यान से समझिएगा कि मैं एक शीशे पुल एग्जैक्टली बोल क्या रहा हूँ और वो किस तरह होता है। तो वो कुछ इस तरह होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरी बॉडी है वाटर सरफेस के पैरेलल में है, मेरा हाथ ये आया सामने आया एंड ये है मेरा पुल, ठीक है। और जब मैं ये पुल करूँगा, जब एग्जिट करूँगा, तो मेरा शोल्डर इस तरह मूव होगा, यहाँ पे मैं ब्रीथ लूँगा, फिर ऐसे इंटर होगा, ठीक। जब इंटर होगा तो ये शोल्डर थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, फिर ऐसे पुल करना है। तो ये कुछ इस तरह होता है, ठीक। पुल आप देखिए, पुल ही इस तरह ही होगा, पुल का आप मूवमेंट देख लीजिए एकदम एग्जैक्टली, कहाँ से एग्जिट होता है, यहाँ से एग्जिट होगा, इंटर हुआ, शोल्डर आगे मैंने मूव किया, फिर ये पुल आया ऐसे, ठीक है। ये होता है फ्री स्टाइल का पुल। तो ये दूसरे दूसरे हैंड से भी देख लीजिए आप, इस तरह होता है, ये पुल हुआ और यहाँ बेली से एग्जिट हुआ, ठीक। फिर मैंने इंटर किया, ये पुल फेज आया, पुल फेज, ये रिकवरी फेज, ये पुल फेज। पुल फेज में मेन चीज़ है यही है कि आपको समझना है, जैसे आपका शोल्डर ये है जस्ट, तो आपका हैंड जो इंटर हुआ ना, वो इधर नहीं आएगा, इस हाथ की तरफ नहीं आएगा। हाफ बॉडी ये है ना आपकी, ये हाफ बॉडी है, बस इसी के सीधे में ऐसे आएगा अंदर की ओर और फिर ऐसे एग्जिट हो जाएगा। ये चीज़ होता है पुल फेज, जो शी शेप होता है। शी शेप में मेन बात है, आप अगर साइड से देखें ना, तो देखिए ये शी बनता है, शी, इसी को बोलते हैं शी शेप पुल। और ये जितना, मतलब ये जितना शी शेप बना हुआ है, ये ज़्यादा वाटर ग्रैब करेगा, जितना वाटर ग्रैब करके पुल आप करेंगे पीछे, उतनी तेज़ी से बॉडी आपकी आगे की ओर भागेगी। तो ये होता है प्रॉपर पुल, पुल फेज जो मैंने बताया अभी। तो इसको आप अच्छे से समझिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए आप अपने स्विमिंग में, ताकि आप जल्दी जल्दी इम्प्रूव हो सकें।